السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ نبیہ قادری این آر کیو 24 نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ برلہ گڑھا رحمت کالونی میں الیکٹریسٹی کی بہت پرابلم ہو رہی تھی۔ گرمی کا موسم اور روزے داروں کی تکلیف دیکھتے ہوئے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ایریا سبھا ممبر کلیمی 20 اور اے بی پی نیوز کے رپورٹر باوزین نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی سے 4 دن پہلے بات کی، اور اسد الدین اویسی نے کہا کہ فوراً وہاں پر نیا فلٹر لگوایا جائے اور ایڈی سے کہا کہ جلد سے جلد اس کام کو انجام دیا جائے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر کل بلہ گڑے میں فلٹر کا انوگریشن کیا گیا، اسی کی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لائٹ کا پرابلم تھا، ہمیشہ لائٹ جاری کر رہی تھی، آج ایڈی صاحب پہ نیا ہے، ایڈی صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ ایڈی صاحب کیا ہے صاحب، یہ لائٹ کا پرابلم، ذرا بولیے آپ، پبلک ہمارے دنیا کے باتیں کر رہی ہے، بولیے آپ۔ మన దగ్గర నుంచి గ్రీన్ విచ్ అకాడమీ సబ్స్టేషన్ నుంచి ఇంకొక 11K ఫీడర్ కొత్తది ఒకటి వేసాము, హిందీ మీద కొత్త ఫీడర్ ఒకటి వేసాము, ఒకటి ఒక ఫీడర్ ఓవర్లోడ్ అయింది, ఇంతకుముందు యాక్చువల్గా తక్కువనే ఉండే లోడు, కొంచెం ఈ రంజాన్ గురించి లోడ్ ఎక్కువ పెరిగింది, దాన్ని మనం డైవర్ట్ చేయడం కొంచెం కష్టమయ్యేసరికి ఒక కొత్త ఫీడర్ని ఓన్లీ ఒక 3-4 రోజుల్లో మా పైన మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తోటి కంప్లీట్ చేయించాము, అది ఈరోజు అది ఛార్జ్ కూడా కాబోతుంది, వర్క్ మొత్తం కంప్లీట్ అయింది, 3 గంటలకు కానీ 4 గంటలకు కానీ ఈవినింగ్ 4 o'clock ఛార్జ్ చేస్తాము, ఇక మీకు కమింగ్ 5 ఇయర్స్ వరకు కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదని నేను మీకు హామీస్తున్నాను। और एक 11K फीडर अभी जहांगीराबाद बोल के ग्रीनविच अकाडमी से अपने को एक है, वो फीडर 140 एम्स था पहले, अभी 200 एम्स क्रॉस हो गया, इसीलिए पावर डिस्टर्बेंस हो रहा, तो पीक लोड में कभी कभी ट्रिप हो रहा, इसके लिए प्रॉब्लम हुआ तो इमीडिएटली 3-4 दिन में नया फीडर हायर अथॉरिटी इंस्ट्रक्शन से हमारा मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन दे दिए इमीडिएटली और एक फीडर लेके करने के लिए। अब ये फीडर करने के बाद आपको कमिंग 5 इयर्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहता, पूरा एरिया पूरा एमडीपल्ली सबस्टेशन का एरिया पूरा और ग्रीनविच अकेडमी सबस्टेशन का एरिया पूरा, इधर भी प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई का लिए अभी सब लोग कॉपरेट करें, रमजान के डिस्टर्ब नहीं होना बोल के अभी जल्दी करा दिए, अभी प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग कोऑपरेट करो, वैसे ही बिलिंग कोऑपरेट करो, कलेक्शन भी थोड़ा कोऑपरेट करके, कलेक्शन लास्ट महीने में थोड़ा उतना नहीं आया, ये महीने में कोऑपरेट करके कलेक्शन अच्छा होना बोल के बोल रहे हैं, सब लोग को थोड़ा ये एडजस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। और सब फिर अब प्रॉब्लम नहीं होगा ना, प्रॉब्लम नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ कमिंग 5 इयर्स को गारंटी दे रहे हैं। रमजान जब से हुआ जब से बहुत कट हो रहा रेट, मगरिब में शाम में क्या बोलते हैं तराबियाँ पढ़ते हो, आपको ऑलरेडी हम लोग आके भी बोले थे कि रमजान में कुछ प्रॉब्लम ना, फिर प्रॉब्लम हो रहा है सर। रमजान में प्रॉब्लम नहीं होना बोल के हम डिस्कशन बात चेंज करें, टेबल चेंज करें, फिर भी दूसरा लाइन भी चेंज करें, मगर इतना करें तो भी कुछ 10% 20% जो बैलेंस रहता वो 20% में ये एक बैलेंस थोड़ा अपने तकलीफ दिया, वो तकलीफ को बहुत जल्दी में क्लियर भी हो गया बोल के हम बोल रहे हैं। आपको रमजान में प्रॉब्लम नहीं होता, इधर भी प्रॉब्लम नहीं होता, कहीं के बोले तो अपने को और एक सबस्टेशन भी आ गया यहाँ पे, और अच्छा क्या बात है, ग्रीनविच अकाडमी बोल के एक सबस्टेशन आ गए, उससे 6 फीडर ले सकते हैं, अपने को 4 फीडर है और 2 फीडर का मौका भी है, और 2 फीडर खाली है, उसको लाइन लेने के लिए अभी किधर भी ओवरलोड नहीं है, कमिंग 5 इयर्स को प्रॉब्लम नहीं है, वो बोल सकते हैं अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कब तक चालू कर रहे हैं आप? ये शाम 4 बजे चालू होता है, आप आए तो भी आप देख सकते हैं, 4 बजे चालू होता है, 4 बजे तक पक्का चालू। बावजीर भाई का भी बहुत इसके अंदर अवन था, बहुत मदद करे, हेल्प करे हमारी, और पब्लिक से भी मदद करे, और हमारे ए डी साहब एक महीने का काम था मगर ये 3 दिन के अंदर होगा भाई, बहुत जल्द से जल्द काम हुआ, अब इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। 3.5 किलोमीटर की लाइन खींचते हुए 6 लाख की लागत से ये जो है ना ओपन किया गया, करीब 5 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे कि और एक फीडर होना और एक फीडर होना, ये बल्ला गुड़ा 2 फीडर पर चलता, आज तीसरा फीडर रहमत कॉलोनी के नाम से स्टार्ट करे, हमारे एडी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, एडी साहब जो एडी साहब और जो है ना एसी साहब एई सर नागराज साहब का बहुत मेहनत है इसमें, जो ये फीडर यहाँ पर आया, एसी साहब को बोल के सीएमडी साहब को बोल के और जो है ना हमारे असद साहब की जो है ना हिदायत पे, बहरहाल जो भी है ये आज स्टार्ट हुआ, और यहाँ से बल्ला गुड़े की आवाम को लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। आइंदा वक्त में आपके मुंह से कभी गाली नहीं निकलेंगे लाइट वालों के लिए, क्योंकि नॉर्मली ये टाइम ऐसा होता है लाइट बनोते ही लाइट वाले की अम्मा बहन कर देते हैं आप लोग तो मेहरबानी करके इंशाल्लाह यहाँ से आप दुआएं देंगे, शुक्रिया। हर आदमी
अभी सप्लाई के लिए कैसा अपन वेट कर रहे, कितना कास्ट है तो भी डिपार्टमेंट पीछे नहीं जाता, डिपार्टमेंट कितना कास्ट है तो भी पब्लिक के लिए करते, मैनेजमेंट भी कौन भी अपन करने के लिए, मगर अपन एक छोटा सा फेवर करना है डिपार्टमेंट को भी, क्या है बिल्स इन टाइम में भरना, हमारे को हर महीना 100% कलेक्शन आने का एक रहता, कहीं को बोले तो अपन ऊपर वाले को पैसे भी अपन भरने एवरी टाइम भरना पड़ता, 100% कलेक्शन कंपलसरी करना है, मगर हमारे को कौन सा भी एक रीज़न बोल के 2 महीने 3 महीने में भरते बोलते पैसा नको, जिसका मैंने वही महीने में पैसे भरना वो करे तो भी अपने को डेवलपमेंट और अच्छा रहता बोल के एक रिक्वेस्ट है। नहीं जी, रेसिडेंशियल से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, रेसिडेंशियल का ओनली 80% बंद दिया, 20% बाकी अपना वो 20% भी भरना बोलते हैं, जो भी नहीं बन रहा, लेकिन रेसिडेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको, आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई रेसिडेंस भर रहे हैं, फिर कमर्शियल भी थोड़ा बंद रहते लास्ट मिनट में, वो क्या है लास्ट तक वेट नको करना, उनका ड्यू डेट के आगे भरे तो और अच्छा है, पेनल्टी भी नहीं गिरता आपको, 75 रुपीज़ ड्यू डेट के अंदर भर दिए तो डिपार्टमेंट को भी टाइम मिलता और अच्छा सर्विस करने के लिए टाइम मिलता बोल के हमारा रिक्वेस्ट है। नागराज सर थैंक यू, रात के 2 बजे भी आपको फोन करके सताए हम लोग, कुछ नहीं होता, थैंक यू सर, ओके शुक्रिया आईडी साहब का, बहुत बहुत दिल की गहराई है उनसे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आईडी साहब का, रमजान में गुड जॉब करे साहब, बहुत जबरदस्त जॉब, और बाउजी भाई का कलीम भाई जो है, कलीम भाई की जुस्तजू थी जो रहमत कॉलोनी में जो है जगमग जगमग लाइटें लगी, लाइटें नहीं होती तो ये नामुमकिन था। आओ सरोवर भाई, सरोवर भाई हमारे सरोवर भाई की भी बहुत मेहनत थी भाई, सरोवर भाई की भी बहुत मेहनत थी हमारे, माशाल्लाह रात होते 2 बजे फोन आया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, असद साहब और अकबर साहब की हिदायत पे आज ये फीडर का काम हुआ, जबकि एक महीने का था, मगर 3 दिन के हमारे एडी साहब और हमारे सरोवर भाई की भी बहुत कोशिश थी, बावजूद भाई की भी बहुत कोशिश थी हमारी इसके अंदर, और हमारे सरोवर भाई भी बहुत कोशिश करें इसके वास्ते, ये फिल्टर के वास्ते बहुत कोशिश करें, इंशाल्लाह ये आज इनाग्रेशन हुआ। अब एडी साहब ये क्या बजट, कितने बजट का है? मैं गगनपाड़ का एडी हूँ, ये ग्रीनविच अकेडमी सबस्टेशन से, नया सबस्टेशन से अपने लोड लेने के लिए अपने किधर फैसिलिटी है, फिर एक 11 kV फीडर जहांगीराबाद बोल के थोड़ा पहले 140 amps था, वो 200 amps तक चले गया, थोड़ा ओवरलोड होगा, पूरा काम करे मगर ये एक फीडर थोड़ा बैलेंस था, फिर भी ओवरलोड होने के बाद अपने को सब लोग ऐसा प्रॉब्लम है बोले तो इमिडिएटली हमारा मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शन लेके सब लोग बोले, मैनेजमेंट भी इंस्ट्रक्शन दिए इमिडिएटली करो बोल के, हम कॉन्ट्रैक्टर लगा के, बड़ा काम है फिर भी 3.5 किलोमीटर का लेंथ के लिए 3-4 दिन के अंदर काम हो गया, जल्दी हो गया फिर भी अच्छा हो गया काम, सबको कमिंग 5 ईयर्स में किसको भी रिपोर्टर्स कहा थे, हाँ फिर भी एक 2 रिपोर्टर हमारे को बहुत मदद करे, वो पब्लिक को भी थोड़ा बोले, हमारा मैनेजमेंट को भी थोड़ा रिक्वेस्ट करे, ऊपर से इंस्ट्रक्शन दिए, उसमें इब्राहिम बोल के आई न्यूज़ और एक सर्वर बोल के और एक कलीम पहलवान बाउजर ये पूरा मिलके मदद करे, इसमें सब लोग अच्छा काम हो गया, अभी कमिंग 5 ईयर्स को भी कौन सा भी टाइम में प्रॉब्लम नहीं होता, सब लोग अच्छा करें, प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ मैं सैयदा नबीहा खादरी NRQ24 न्यूज़ से, इसी तरह हम आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे, इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज का, हमारे इस न्यूज के पेज को लाइक करिए और YouTube पे सब्सक्राइब करिए, जय हिंद।